आप लोगों ने सोचा है, आप लोगों माइंड हम उसे खोलिए, हाँ माइंड हम एक एक खोलिए, पढ़ पाए हैं उसमें या नहीं पढ़ पाए, उसमें क्या लिखा है आप पढ़ के बताइए। देवी आपने क्या आपका कहीं गलत कोई गलत नहीं, आप दूसरा पर्ची खोलिए। मिलने आए, इनके बारे में आपको कैसे पता था? वो मोबाइल में देखा था यूट्यूब पे। उत्तर प्रदेश के लास्ट छोरे पे बिहार बॉर्डर के समीप है, ये लोग राजस्थान से चल के आपसे मिलने आए, आपको कैसा ये महसूस? सर आप इस क्या कला की, कहा जाता है कि कला किसी का गुलाम नहीं होता, चाहे उसे चार दीवारी में कैद करके रखे या जेल की सलाखों में रखे। ऐसे ही माइंड रीडिंग एक व्यक्ति करते हैं, उनकी कला को देखकर कुछ लोग राजस्थान से भी आए हैं और हम भी उनकी कला को ही देखकर आपको दिखाने के लिए आए हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि वो कला कैसे करते हैं, कैसे माइंड रीडिंग करते हैं। सबसे पहले मैं उन मेहमानों से मिलाता हूँ जो राजस्थान से हैं। कहाँ से आप? राजस्थान से। किस जगह राजस्थान से? राजस्थान में बल्होत्रा जिला है। हाँ? और गांव जेठंत्री है। अच्छा, आपका क्या नाम है? शैतान राम। आप इनसे मिलने आए हैं या कुछ काम, कैसे आए? नहीं, ऐसे ही मिलने आए। इनके बारे में आपको कैसे पता था? वो मोबाइल में देखा था यूट्यूब पे, उसके बाद में मिलने के लिए आए। क्या आप माइंड रीडिंग देखने आए? माइंड रीडिंग देखने के लिए आए। चाचा जी आपका क्या नाम? वासुदेव खत्री, बल्होत्रा राजस्थान से। बल्होत्रा राजस्थान से। अभी कला ही देखने? हाँ, कला देखने। ठीक है, अब इनसे आपके जो कला के मुरीद होकर ये लोग, आप उत्तर प्रदेश के लास्ट छोरे पे बिहार बॉर्डर के समीप हैं, ये लोग राजस्थान से चल के आपसे मिलने आए, आपको कैसा ये महसूस? सर आप इस क्या कहेंगे, आपकी कला की अब कदर हो रही है कि नहीं? अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कला कभी कैद नहीं होती, चाहे हाँ। चार दीवारों में रखें, जेल के सलाखों में रखें, कला अपनी निखार दिखाई देती है। कला किसी चीज की मोहताज भी नहीं होती। सिंगर हैं तो हम सिंगर थे, लेकिन मेंटलिज्म का काम या जादू का काम जो भी हम कर रहे हैं, मैजिशियन का काम, मैजिक का, देखिए आज इस कला की ही देन है कि ये लोग इतने दूर से चलकर आए हैं, आपके सामने आए हैं अभी दो मिनट पहले। इन लोगों का ये अभी सामान भी बाहर ही है। चलिए, अच्छा अब इनको आप क्या दिखाने वाले हैं? माइंड रीडिंग का जो ट्रिक होता है आप भी देखे हैं और ये लोग भी देख लें। ठीक है, इससे पहले हम लोग इनसे मिले भी नहीं है, नहीं अभी ना हम आपको जानते हैं ना ये लोग हमको जानते हैं। मोबाइल कॉल के जरिए संपर्क हुआ वीडियो देख करके और ये लोग आए हैं। तो चलिए आज का मैजिक हम इन्हीं लोग से शुरू करते हैं। ठीक, चलिए ये मैजिक शुरू कर रहे हैं। ये अभी मेहमान है, कह लीजिए राजस्थान से आए तो हमारे लिए मेहमान ही है। अब मेहमानों के साथ ये माइंड रीडिंग दिखाएंगे, दिखाइए। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करिए इस अंकल जी से। अभी हम लोग दो मिनट पहले मिले हैं, अभी आप आए हैं, आपसे हम किसी चीज की जानकारी नहीं लिए हैं। ठीक है, सही बात है। चलिए हम अपना कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि आप अपने किसी एक मित्र का नाम सोचिए, अपने मन में बोलना नहीं है, सोच रहे हैं और उस चीज को हम इस पे दफ्ते पे लिख रहे हैं। ठीक है, लिखने के बाद आपसे फिर मिलते हैं। ये जो सोचे हैं ये राजस्थान से, अपने मित्र का नाम सोचे हैं, अब ये लिखते हैं, अब देखते हैं कि ये सच लिख पाते हैं या नहीं। इनका नाम एक बार पूछ लिया जाए। क्या नाम? मेरा वासुदेव खत्री है, बल्होत्रा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है। अब आप अपने मित्र का नाम, रिश्तेदार का नाम कुछ भी सोच लिए हैं? हाँ सोच लिया। ठीक है, ओके। अब ये जो नाम सोचे हैं उन्हें लिख रहे हैं। आपके आंखों के सामने जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं या कंप्यूटर पीसी में देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए, ये सीधे लिख रहे हैं। अब लिख के पर्ची बना रहे हैं और पर्ची में इनका जो सोचे थे वो लिख लिए। अब इनसे पूछेंगे कि ये क्या सोचे थे, कि आप सत्यता आपको पता चले। ये पर्चा इन्होंने ठीक है, अंकल जी आप रखे रहिए, जब कहेंगे तब खोल। ठीक है, खोलिए मत। आप अभी हमको जो सोचे थे उसको हम इस पर्चे में लिख दिए हैं। अब आप चाहें तो इनसे बता सकते आप हैं क्या सोचे, क्या सोचे? मैंने अशोक कुमार आपने सोचा है। अब पर्चा जब खुलेगा तो हम और आप देखेंगे कि इसमें इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने अशोक कुमार सोच लिया है। ठीक है। अब चलिए इनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? इनका नाम शैतान राम। शैतान राम इनका नाम है और ये भी अब सोचेंगे।
आप इनसे क्या कहेंगे? ठीक है सोचते हैं। ठीक है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कोई अंक सोच सकते हैं, ठीक है या किसी का नाम सोच सकते हैं, किसी शहर का, सिटी का, ठीक है, कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अंकल जी सोचे हैं अशोक कुमार, इसी तरह से कुछ भी आप सोच सकते हैं। ठीक है हम लिखें, आप सोचिए और उसको अपने माइंड में दोहराइए। हम लिखना चालू कर रहे हैं, या अब ये जो सोचे हैं अब ये उसको लिख रहे हैं। तो अब जो इनका जो लिखावट है उसमें और इनकी जो सजावट है, कैसे कितना बदलाव होता है, या जो ये लोग सोच रखे हैं वो ये लिख रहे हैं, क्योंकि इनका ये साफ कहना है कि ये कहीं जादू नहीं, मतलब कोई ये तंत्र मंत्र वाला नहीं, ये केवल एक ट्रिक है, एक माइंड रीडिंग कला है, आर्ट है। तब इनका जो ये सोच रखे थे वो लिख दिए हैं। अब इनसे जानेंगे कि ये क्या सोचे थे और इन्होंने क्या लिखा था। चलिए, इन्होंने पर्चा फोल्ड कर लिया और बच्चे को भी आप रख लिया इसमें। हाँ, आप बता सकते हैं क्या सोच, आप बता सकते हैं क्या सोच। देवी, क्या रेशा देवी, चलिए इन्होंने रेशा देवी सोच रखा है। हाँ, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी चाहे तो कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, हम आपका भी दिमाग पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम सोच लिए। ठीक है जैसे ये सोचे थे अब हम लिखे। ठीक है, लिखिए। ओके, ठीक है, अब हम जो सोचे हैं ये लिख रहे हैं और हम बता देंगे आपको हमने क्या सोचा था। और इन्होंने जब पर्ची लिख लेते हैं उसके बाद से हम आपको बता दे देंगे कि हम क्या सोचे हैं और ये वो लिख पाए हैं कि नहीं, वो अपने आर्ट के जरिए हमें समझ पाए हैं कि नहीं, ये सारी जो कला है कैसे जो इन्होंने जो सीखा है वह शत प्रतिशत सही है, कैसा है। इन्होंने फोल्ड कर लिया है तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मुकेश सोचा था। हम अपना मैं बताऊं, मैं मुकेश सोचे थे। अब ठीक है आप बता भी दिए आपका पर्ची वहां हम ठीक है दिए हैं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं इन भाई साहब से। ठीक है, क्या नाम है आपका? रवि। इनसे पूछिए ये क्या सोचना चाहते हैं। आप जो भी सोचना सोच लीजिए। चलिए, हम सोच रहे हैं मन में। चलिए सोचिए, रवि भाई हैं, सोच रहे हैं। जैसा कि आप अब इधर आ जाइए, अब इनके मन में क्या चल रहा है उसको हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हमें लगता है कि अपने माइंड में कोई अंक सोच रहे हैं, कोई नंबर सोच रहे हैं। ठीक है सोचते रहिए आप, उसको हम लिख रहे हैं। थोड़ा और आप इधर आइए। जैसे कि आप सोचे थे, क्या सोचे थे? मुकेश सोचे थे। ठीक है हो सकता है आपके वो भाई हो, बंधु हो, रिश्तेदार हो, कुछ भी हो सकते हैं। चलिए आप सोचिए, अंक सोचिए, उसको हम लिख रहे हैं। ओके, और थोड़ा आप इधर आ जाइए। हाँ, ताकि कैमरे पे अपना नजदीक में रहे। ठीक है हम कैमरे पे हैं लेकिन आपको जरूरी है क्योंकि लोग आप ही को देखेंगे कि आप जो लिख रहे हैं वो कैसी है, सत्र सही है। इधर पर्ची को दिखाएं तो चाचा पूरी तरह से पर्ची अपने हाथ में दूर रखे हैं और ये राजस्थान से आप ये सोच रहे हैं रवि जी। चलिए आगे बढ़िए, सोचते जाइए। ठीक है, ओके। ये चारों पर्चे कंप्लीट हो चुके हैं और ये चारों पर्चे अंकल जी के हाथ में हम दे रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो इनसे पूछ सकते हैं कि क्या सोचा है, सोचे थे आप? नंबर सोच रहे हैं? अभी हम सोचे हैं अपना मोबाइल नंबर, इसलिए कि अभी रिचार्ज करवाए हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर सोचे हैं। हम आपका मोबाइल नंबर सार्वजनिक नहीं करेंगे क्योंकि आप भी परेशान हो जाएंगे, फोन आने लगेंगी, लेकिन हम आपको इनका नंबर थोड़ा सा दिखाएंगे जरूर और इनसे वो लिख दिया गया है। अब हम चाहेंगे कि अंकल जी आप उस पर्चे को पुनः आप अपने हाथों में लीजिए ऐसे और उसको आपस में मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर दीजिए। हाँ, आपस में ऐसे मिक्स कर दीजिए ताकि वो मिक्स हो जाए। और एक एक पर खोलेंगे और कैमरे पे दिखाएंगे कि जो आप लोगों ने सोचा है आप लोगों माइंड हम उसे खोलिए। हाँ, माइंड हम एक एक खोलिए, पढ़ पाए हैं या नहीं पढ़ पाए, उसमें क्या लिखा है आप पढ़ के बताइए। देवी, आपने क्या आपका सही है इनका कैमरा में एक बार दिखा दीजिए उसको। बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है, कहीं गलत कोई गलत नहीं। आप दूसरा पर्ची खोलिए। अब दूसरा खोल रहा है अशोक कुमार।
बिल्कुल सही है, मैंने सोचा वही बिल्कुल सही नाम आया। मतलब ये जादू कर रहे हैं कि आपकी माइंड पढ़ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है? माइंड पढ़ रहे हैं, जादू भी होगा, जादू भी हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, दूसरा पर्ची खोले, तीसरा जो आपके पास है, तीसरा पर्ची खोल रहे हैं, तीसरा पर्ची देखते हैं किसका निकलता है। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर देखिए, ये मत लीजिए, आपका मोबाइल नंबर ब्लर हो जाएगा, आप उसका फिक्र ना करें। आप लेकर के मिला करके बता सकते हैं, ठीक है, सही है या गलत? आप ये पर्ची लीजिए और आप बस इसको पढ़ के बताइए कि बता दे रहा हूँ सही। नहीं ना, आप बोलिए मत, नहीं नंबर मत बताइए, केवल आप पढ़ लीजिए और आपका नंबर गलत है या सही, बस इतना बताइए। आप नंबर सही है, नंबर गलत नहीं है ना, कहिए नहीं नहीं नंबर सही है, सब नंबर सही है। हाँ, आपका ही मोबाइल नंबर है? हमारा ही है, हमारे पास अभी है। ठीक है, इनका ही मोबाइल नंबर है और एक पर्ची जो बचा है शायद मेरा, उसको खोलिए। और हमने मुकेश सोच के रखा था। वाह बहुत बढ़िया, बिल्कुल मुकेश, देखिए बात कैसे, इधर मेरा नाम विजय सिंह और नीचे मुकेश, क्योंकि हम बोलते हुए भी मुकेश सोचे थे, तो उनको ये वह चीज नहीं केवल मुकेश ही लिखे हैं, क्योंकि उस समय भी हमारी दिमाग चल रही थी और हम बोल रहे थे और उस समय भी हमारे माइंड को ये रेड कर लिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ये एक बड़ी आर्ट है, क्योंकि बोलते समय इंसान का माइंड अलग रहता है, बोलते समय कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं कि मुझे आगे क्या बोलना है, आगे क्या करना है। उस वक्त इन्होंने यह मुकेश नाम पहले लिख दिया कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक है, अब हम इसी के साथ जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हम यही चाहेंगे दर्शकों से, आप हमें जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम देख रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे या जहां कहीं भी आप देख रहे हैं, वहां से कम एक लाइक दे दीजिए अगर हमारी कला लगती है तो, के इतना जरूर बता दीजिए कि इस कला को आप कहां से देख रहे हैं। बिल्कुल, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल का बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचे, आप लोग उसे देख पाए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, शेयर करें, लाइक हाँ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और चलते चलते हम ये बता दें कि मेरा भी एक फेसबुक पेज है जो बन चुका है, जादूगर राजू यादव के नाम से है। आप लोग जाइए और उस पेज को भी फॉलो कीजिए, हम उस पे भी अपना वीडियो डालेंगे। इनका जादूगर राजू यादव के नाम से फेसबुक पेज है और तमाम जो इनके पास आर्ट है, जितने भी, लगभग आपके पास कितने आर्ट होंगे? मैजिक का लगभग 1.5 से 2 हजार कला मेरे पास, 1.5 से 2 हजार तक जी। मतलब आपके पेज पे ये सारी आर्ट आप लोग देख सकते? नहीं, हर कला लोड नहीं हुआ है, मतलब लेकिन हो जाएगा, हाँ आप धीरे 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 एक एक कला को हम उस पे डालेंगे। आप अगर इनको फॉलो करते हैं तो 1.5 से 2 हजार तक आर्ट को देख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।